गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित पूर्वांचल छात्र सम्मेलन में छात्रों की समस्याओं पर चर्चा करने आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तनुज पुनिया सिविल लाइन स्थित एक होटल में बात करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा जीतना तय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी तय है। जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, लोग चाह रहे हैं तो बनना चाहिए, लेकिन इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। रामलला के दरवाजे में ताला लगा हुआ था, उसे राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तनुज पुनिया ने कहा, आज गोरखपुर में राष्ट्रीय छात्र संगठन जो कांग्रेस का एक फ्रंटल संगठन है, इसकी आज एक बैठक है। इसमें छात्रों को जो समस्याएं झेलते हैं, जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस पर चर्चा के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आज यहाँ पे अजय सिंह लल्लू जी भी हैं, विधायक मंडल के जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे इसमें, और छात्रों से हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति अब राहुल जी बताएंगे, बाकी हमारा जीतना तय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी तय है। जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत हुई है, उससे पहले पंजाब, कर्नाटका में जीत हुई है, ये दर्शाता है कि जनता जो है अब सीधे सीधे राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और मोदी जी को अब वो रिजेक्ट कर रही है। तो इससे साफ नज़र आता है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। पार्टी की राय जो है वो न्यूट्रल है इसमें। राम मंदिर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि अगर राम मंदिर लोग चाह रहे हैं बने, लेकिन इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, और इसका जो सामने आए जब रिजल्ट, तो अगर मंदिर बनने का है तो राम मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। आपको याद होगा जब वहाँ पे रामलला के जो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, वो भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसके पक्ष में है, लेकिन ये जो कानूनी तरीका है उससे होना चाहिए। इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 2009 में जो 21-22 का जो आंकड़ा था, उसको पार करने का इरादा बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और केंद्र नेतृत्व में, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगी, 2009 का रिकॉर्ड फिर टूटेगा। गठबंधन पे क्या स्थिति बनी रहेगी? अब गठबंधन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले ही इस चुनाव में जीतने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी चल रही है। हर सीट पे हम लोग अपने कैंडिडेट भी उतारने को तैयार हैं। गठबंधन होगा तो जैसा केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा वैसा किया जाएगा।